हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जीई टेक्निक। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था और उसमें हमने ओम्स लॉ के बारे में भी बात किया था। तो फ्रेंड, हम आज जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इसका नाम ओम लॉ क्यों रखा गया है। यह है कि इस्लाह को दुनिया के सामने रखने वाला इंसान जॉर्ज साइमन ओह थे। इनके ही नाम पर इस लो को ओम्स लो मतलब ओम का नियम कहा जाने लगा। ओम का नियम फ्रेंड, हम सभी को यह पता है कि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मुख्य तीन चीजें होती है, एक वोल्टेज, दूसरा करंट और तीसरा रेजिस्टेंस। ओम के नियम हमें इस इन तीनों के बीच में क्या संबंध है यह बताता है। संबंध का मतलब, जैसे कि आपको पता है कि 2 + 2 = 4 होते हैं, इसके अलावा 2 × 3 = 6 होते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है वो हमको ओम का नियम बताता है। ओम के नियम क्यों जरूरी है फ्रेंड, इसको हम बहुत आसान उदाहरण में समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एलईडी है, इस एलईडी को चलने के लिए इसके 2 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, परंतु समस्या यह है कि हमारे पास 2 वोल्ट की सप्लाई नहीं है, हमारे पास सिर्फ 9 वोल्ट की बैटरी। अगर हम सीधे इस 9 वोल्ट की बैटरी को एलईडी में जोड़ देते हैं तो हमारी एलईडी उसी समय खराब हो जाएगी। तो इस समय हमें ओम के नियम की मदद से इस एलईडी को चला सकते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि सभी उपकरण पर उसका वोल्टेज और उसका करंट एम्पियर में उसका करंट लिखा होता है। इस तरह की हमारी एलईडी पर भी 2 वोल्ट और 20 mA लिखा हुआ है। तो अब इस समय हम ओम लॉ को आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंड, ओम लॉ की मदद से हमें वोल्टेज और करंट, रेजिस्टेंस तीनों में से किसी की भी वैल्यू का पता कर सकते हैं। पर इसके अंदर एक कानून यह है कि हमारे 2 वैल्यू पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमको वोल्टेज का पता करना है तब हमको बाकी के 2 वैल्यू, करंट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। फ्रेंड, ओम के नियम का उपयोग कैसे करते हैं फ्रेंड, अब हम बात करते हैं। अब हमारी 9 वोल्टेज की बैटरी जो 2 वोल्ट की बैटरी से चलाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ 2 वैल्यू पता होनी चाहिए, तो अभी हमको एलईडी के वोल्टेज और एम्पियर दोनों का पता है। अब हमको सिर्फ तीसरी वैल्यू रेजिस्टेंस पता करना है और फिर हमें सर्किट को आसानी से बना लेंगे। हम ओम के नियम के 3 फॉर्मूला मिलते हैं, इसमें से अभी हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूला का उपयोग कर लेंगे। यह R = V/I है, मतलब हमको वोल्टेज में करंट का भाग लगाना है। हम सबसे पहले वोल्टेज को पता कर लेते हैं। तो हमारी बैटरी 9 वोल्ट की है, परंतु एलईडी को 2 वोल्ट चाहिए। 9 वोल्ट - 2 वोल्ट = 7, मतलब हमें 7 वोल्ट कम करना है। अब हम करंट पता कर लेते हैं। हमारी एलईडी 20 mA करंट लेती है, तो अब हम 20 mA को एम्पियर में बदल लेते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ 20 mA में 1000 का भाग लगाना है। फ्रेंड, 22 mA/1000 = 0.02 A एम्पियर। तो अब हमारे पास 2 वैल्यू, वोल्टेज और करंट आ चुका है। अब हम आसानी से रेजिस्टेंस को निकाल देंगे। रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमको सिर्फ वोल्टेज के अंदर एम्पियर का भाग करना है। 7 / 0.02 A = 350, मतलब अगर हम इस सर्किट के अंदर 350 वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो हमारी एलईडी आसानी से जल जाएगी। इस तरह हमने ओम के नियम के मदद से रेजिस्टेंस का वैल्यू को पता करा। इसी तरह से हम वोल्टेज और करंट को भी पता कर सकते हैं। फ्रेंड, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड।